ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के एक शहर के आवासीय क्षेत्र में 62 लोगों को ले जा रहा एक विमान शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरलाइन ने यह जानकारी दी है। इसने बताया कि यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने लोग घायल हुए हैं या कितने लोगों की मौत हुई है। एयरलाइन वोएपास ने एक बयान में पुष्टि की है कि साओ पाउलो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गवारुलोस के लिए उड़ान भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें कहा गया है कि विमान में 58 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। बयान में यह नहीं बताया गया कि दुर्घटना किस कारण से हुई है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण ब्राजील में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति लुइस इनासियो ने समाचार साझा करते समय भीड़ से खड़े होकर एक मिनट का मौन रखने को कहा। उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य मर चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई। अग्निशमन विभाग, सैन्य पुलिस और नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल पर टीमें भेज दी हैं। ब्राजील के टेलीविजन नेटवर्क ग्लोबल न्यूज ने एक बड़े क्षेत्र में आग लगने और घरों में भरे आवासीय क्षेत्र में एक विमान के मलबे से धुआं निकलने का दृश्य दिखाया है। विमान के क्रैश होने के सोशल मीडिया पर वीडियो आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और विमान गोता खाते हुए नीचे गिरने लगता है। ये ताश के पत्तों की तरह इमारतों पर गिर गया। नीचे गिरते ही विमान में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक विमान के क्रैश होने से आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। Caralho, bicho. Nossa. Fudeu, velho. É doido. Caralho, moleque.